इंस्टेंट गाजर मूली का ये अचार बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। ना धूप दिखाने का झंझट और ना खराब होने का डर। तो चलिए बनाते हैं ये आसान सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है गाजर, मूली, अदरक, लहसुन और मिर्ची। और इन सारी चीजों को अच्छे से धोकर मैंने साफ कर लिया है। और मिर्ची के जो पीछे के डंठल है ना, उसे ऐसे तोड़कर निकाल देंगे और बाकी चीजों को छिलका निकाल देंगे। तो यहाँ अदरक और लहसुन भी छिलकर मैंने रख लिया है और गाजर मूली के छिलके निकाल कर इन्हें स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इन सारी चीजों के छिलके निकाल कर मैंने रेडी कर लिया है। और ध्यान रखिए कि किसी भी चीज में पानी ना लगा हो, तो इस तरह से अचार कभी जल्दी खराब नहीं होता। तो यहाँ पे इसके पीसेस कर लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी मूली नहीं थी, छोटी छोटी मूली थी, तो दो पीस किया और उसके बाद इसे पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, और मीडियम साइज के ऐसे स्लाइसेस कट कर लेंगे। गाजर का भी ऐसे ही कट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जिंजर जो है उसे भी ऐसे पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना गार्लिक और जिंजर के बना सकते हैं। जो गार्लिक नहीं खाते, जो जिंजर नहीं पसंद करते, वो इसके बिना भी इस अचार को बना सकते हैं। मिर्ची को भी बीच से कट करके ऐसे स्लाइसेस कट कर लिया। आप मेरी वेजिटेबल्स कट कर रेडी है, आगे का प्रोसेस करते हैं। एक पैन लिया है, 2 टेबल स्पून पीली सरसों लिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बस हल्का सा भुनेंगे, बहुत ज़्यादा इसे भुनने की जरूरत नहीं है। प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद उसी पैन में यहाँ 2 बड़े चम्मच सरसों, ब्लैक सरसों जो होता है, वो 2 टेबल स्पून लिया है, और 3 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़े चम्मच जीरा, 1.5 बड़े चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच मेथी और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। बस इतनी ही चीज़ों को लेना है और अच्छे से इन्हें भून लेना है। इन्हें भी बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा जब इसका अरोमा आने लगे बस इतना ही भुनना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे प्लेट पे, ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन मसालों को ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले पीली सरसों लिया है मैंने, उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा पीसेंगे, एकदम दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल फाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरा पीस कर रेडी है। इसके बाद बाकी के मसाले भी पीस लेंगे। बाकी के मसालों को भी दरदरा ही पीसना है, बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे मसाले हैं वो पीस कर रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं। वैसे ही मसालों को आप एक साथ सरसों भी इसमें डालकर पीस सकते हैं, बट जो पीली सरसों होती है उसे थोड़ा दरदरा रखना होता है, इसलिए मैंने उसे अलग से पीस लिया। वो थोड़ा ज़्यादा दरदरा, थोड़ा मोटा है वो पाउडर। और उसके बाद मसालों में इसे मिक्स कर लेंगे। ये मसाला आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, भरवा मसाला, भरवा मिर्ची, भरवा बैगन, जो भी आप बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं या किसी अचार में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे एक पैन लिया है, 1 कप मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, अच्छे से उसे गर्म कर लिया है। और उसके बाद जब उसमें से धुआं निकलने लगे उसका फ्लेम एकदम लो कर देंगे। और उसके बाद 1/4 टीस्पून यहाँ पे हींग डाला है, और उसके बाद जो भी सब्जियाँ कट करके रखी थी वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे सब्जियों को बहुत ओवर कुक नहीं करना है, 2 से 3 मिनट बस इतना ही भुनना है। सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मसाले अब ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है 1 टेबल स्पून, हल्का सा उसे रब करके इसमें डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च डाला है, ये काश्मीरी लाल मिर्च है, तीखा नहीं होता। तो मैंने ग्रीन चिली डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके ऊपर कलौंजी डाला है 1 छोटा चम्मच मैंने, जो अनियन सीड होता है। उसके बाद यहाँ पे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, साथ ही आमचूर पाउडर भी 1 टेबल स्पून डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो मसाले हमने रेडी किया था वो डालेंगे, 6 टेबल स्पून डाला है मैंने। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और जो मसाले हैं, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी को बहुत कम पसंद होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मीडियम ही डाला, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम डाला है। तो ये देखिए हमारा जो इंस्टेंट गाजर मूली का अचार है वो बनकर रेडी है। बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। आप इस अचार को पराठों के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और एंड में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर डालने से इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप चाहे तो इसकी जगह पे लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने आमचूर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून विनेगर डाला था। आप चाहे तो 2 टेबल स्पून विनेगर डाल के आमचूर को स्किप कर सकते हैं और 2 टेबल स्पून आमचूर डालकर विनेगर को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा अचार बन गया था और वो ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कांच के जार में उसे ट्रांसफर कर दिया है। कांच के जार में ही अचार रखे, उसमें बहुत लंबे समय तक चलता है। और जो जार होता है उसे अच्छे से धोकर सुखा ले और उसके बाद ही उसमें अचार रखे। तो ये हमारा इंस्टेंट अचार बनकर रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक आसान सी रेसिपी के साथ।